लीजिए खाइए मन मन ताली। आप रहन दीजिए, बहुत हो जाएगा। मिठाई लीजिए, एगो प्याज लीजिए। खाना के नमस्कार करते हैं। क्या जी खा रहे चलिए हम चल रहे यहाँ से। ये ढाबा है, आज हम नाइट में यहीं रुके थे। पंजाबी नाम का ढाबा है और ये रूट है बख्तियारपुर टू नरौरा, यानी ये जाएगी रोड। हाँ, इस लाइन में ये होटल है। तो इनको धन्यवाद और होटल को धन्यवाद जो हमको आज स्टे दिया। देखिए दिख रहा है यहाँ पे। चलिए बाकी सब लोगों को धन्यवाद, चलते हैं यहाँ से। अब देखते हैं आज हम कहाँ तक जाते हैं। आज अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:30 से ऊपर टाइम हो रही है। उस होटल में खाना क्या है जिसका नाम है पंजाबी होटल, उसमें एक चीज़ है कि आप 90 रुपये दो और जितना मर्जी जितना खा जाओ, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे अचार दही हो, घी हो, आप जितना मन उतना खाते जाओ, कोई इतनी नहीं है। और ऐसा बात नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, खाना बहुत अच्छा था। तो मैंने रक्सौल से लेकर यहाँ तक सफ़र में मुझे दो चीज़ बहुत अच्छा लगा, चाट वाले, और दूसरा ये होटल बहुत हमको अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि खाना का जो टेस्ट है बढ़िया है, दाम भी ठीक है, 90 रुपये दो जितना में उतना खाओ, ऊपर से आपको सब कुछ ठीक मिलेगी। हाँ, एक बात है कि जितना भी होती है ना रोड लाइट होटल, उसमें थोड़ा सा सफाई का दिक्कत होता है, मेंटेनेंस उतनी नहीं हो पाती है, क्योंकि ये ट्रक वाली दुनिया है। यहाँ पे खाना 80% खाता है ट्रक वाला, तो वही चीज़ है, क्योंकि जिसका ज़्यादा संख्या रहेगा आदमी उसी तो ढलता है। तो ट्रक वाला जानते ही हैं कि वो लोग कैसा है या कैसा वो लोग रहता है। तो चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। और धूप तो अभी निकली है, अभी का धूप ठीक लग रहा है। ये धूप जब 12 बजे की ना तब मुसीबत खड़ा करेगी। चलो ठीक है भाई, हाथ दर्द कर रहा है अब ज़्यादा कैमरा को रखे। ये कंस्ट्रक्शन अभी चालू है और ये रोड है बख्तियारपुर टू नवादा, जो रोड जाती है वो रोड है। और इसी रोड से लगभग 2 किलोमीटर पहले हम एक ढाबा में रुके थे जिसका नाम है पंजाबी ढाबा। भाई वहाँ पे खाना ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, ये सिंगल वे था, बाद में डबल किया जा रहा है। फिर वहाँ पे क्या ये बस जा रही है, क्या बोलूँ उसको, पटना तक जाएगी। देखिए हमें बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है, देख रहे हो। तो चलो थोड़ा जल्दी जल्दी चलना होगा, क्योंकि वीडियो पर आज ज़्यादा फोकस नहीं करना होगा, क्योंकि हमको यहाँ चलना है 27 किलोमीटर, जो लगभग हमको 5.5 घंटे चलेंगे ना तो हम पहुँच जाएंगे। तो हम प्लान ये बना रहे हैं कि 2-2 घंटा कर लेंगे पीरियड, 2 घंटा चलो फिर रेस्ट मारो, फिर 2 घंटा फिर रेस्ट, यानी हमको चलना हो 6 घंटा। 2-2 घंटा बाद अगर रेस्ट मारते हैं एक घंटा तो 3 घंटा, ये 9 घंटा। तो 9 घंटा अगर जुड़ते इसमें तो 9 बज रहा है, तो 3, 12, 6 हम लोग पहुँच जाएंगे 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, अगर जिस तरह हम प्लान कर रहे हैं उस तरह हमारा प्लान सफल रहा तब। लेकिन सफल हो जाएगा यार, 2 घंटा चलने में क्या लग रहा है।
और 2 घंटे चलने के बाद 1 घंटा वेट भी तो करना है, तो ठीक है ज़्यादा हार्ड नहीं है सब। अभी हरनौल से हम आगे चल रहे हैं और देखिए हम पहुँचते हैं लगभग, उसी में टाइम दिखाता है लेकिन हम वेट कर लेते कहीं कहीं पे। देखिए यहाँ से ट्रेन गुजरती है, देखो आइए पैदल यात्री के लिए है ये। ये जानते हैं क्यों लगाया जाता है, ताकि लोग इसे फान सुसाइड ना करें ट्रेन के सामने, ये इसे इसके लगाने का पर्पस वही है, बाकी कुछ नहीं है। एक बात पूछना चाहता हूँ कि सुसाइड क्या है और लोग क्यों करता है, इस क्वेश्चन को हम चाह रहे हैं कि थोड़ा इधर इधर घुमा दे। अब मैं बात कर रहा हूँ कैमरा को थोड़ा आगे करके, क्योंकि आई कांटेक्ट मिले आप लोगों से भी। सरकार चाहती है कि लोग सुसाइड ना करें, लेकिन जो लोग सुसाइड करता है क्यों करता है, क्यों चाहते हैं कि मर जाएं, क्योंकि वो लोगों को लगता है ना कि मुझे ये चीज़ करना है और वो चीज़ वो लोग से नहीं होता है, तो वो लोग सुसाइड कर लेता है। तो उसको ये नहीं पता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ है जो आदमी कर सकता है, और सोसाइटी उसको लगती है बदनाम करने कि तुम अपने लाइफ में फेल हो गया, तुम फेलवर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, मैंने इतना कुछ उसको लोग कोसता है ना कि उसको लगता है कि हाँ यार हमसे कुछ नहीं होगा, अब वो हार मान जाता है साला। लेकिन आदमी के अंदर बहुत सारा पावर होता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। बहुत सारे लोग तैयारी करता है आर्मी का, यूपीएससी का, बीपीएससी का, एक एस्टिमेट एज में उसको पास करना होता है, अगर मान लीजिए कि उस एस्टिमेट एज में पास नहीं किया तो क्या हो गया, वो नौकरी नहीं करेंगे, कोई और नौकरी करेंगे। अब्दुल कलाम साहब का इतनी आप उसका हिस्ट्री निकालिए देखिए, वो चाहते थे कि हम बने एयरफोर्स का पायलट, जेट उड़ाया आकाश में, लेकिन वो किसी बदकिस्मती से उनका रह गया, नहीं हो पाया, क्योंकि 10 सीट था और उनका नंबर आया 11वां। तो अब देखिए हमें वो लास्ट में क्या बने, साइंटिस्ट बन गए, बताइए साइंटिस्ट के बाद क्या बन गए, भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो सबसे पहले क्या रखना चाहिए आदमी को, रखो पेशेंस लेकिन लड़ते रहो, ऐसा नहीं कि हमसे नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे, लड़ते रहो और अपने काम पर फोकस रखो, सब हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। गलती लोग गलती करता है सुसाइड करके, सुसाइड कभी नहीं करनी चाहिए। अभी हाल ही में हम लोग एक देखे थे न्यूज, कल या परसों शायद कल, एक भोजपुरी का एक्ट्रेस है जो सुसाइड कर ली होटल में। पता नहीं उतना पढ़ा पढ़ा लिखा लोग रहता है, उतना समझदार लोग रहता है, फिर भी दिमाग लोगों का हो जाता है, सुसाइड कभी नहीं करनी चाहिए। हिम्मत है तो लड़ो, संघर्ष करो दुनिया से और अपने मुकाम तक पहुंचो, लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन तुम हार नहीं सकते हो, ये याद रखना बात। जो सामने जो बोर्ड है उस पर लिखा है ट्रक ले भाई, यानी जितने भी ट्रक या बसें होती है ना, इधर दो हुए है, एक उधर है एक ये है, तो इधर से काट के आगे वो कुछ देर खड़ा कर सकता है, चाहे कुछ देर मतलब होता है कि ठीक है आधा घंटा एक घंटा 2 घंटा इधर, यानी उसको बोलते हैं स्टैंड मोड कि आप इधर खड़ा कर सकते हो, क्योंकि हाईवे पर ट्रक खड़ा करना वो क्या बोलते हैं गैरकानूनी है, क्योंकि ये स्पीड वाली रोड होती है, तो आपको जब भी खड़ा करना होगा हाईवे से हल्का बाहर करना होता है, तो जबकि दोनों साइड से जो है देखना बैरियर, जब लगा होता है बैरियर तो ट्रक बाहर नहीं जा पाता है,
इसीलिए हाईवे वाला एक ऑप्शन देता है कि ठीक है हम आपको हाईवे पर ही कुछ जगह आपको देते हैं ताकि आप कुछ देर के लिए खड़ा कर लो। तो ये देखिए जगह दिया, आप इधर साइड लगा लो, खड़ा कर लो। हरनौलपुर यहाँ से 1 किलोमीटर और है, थोड़ा सा दूर और है भाई, थोड़ा और चलना पड़ेगा। हाईवे पर भाई गाड़ी की स्पीड देखोगे तो दिमाग घूम जाता है। अभी तो दोपहर है, थोड़ा कम होता है, सबसे फास्ट होता है थोड़ा शाम के टाइम में। सब लोग घर जाना होता है ऑफिस में, सॉरी ऑफिस से सभी लोग घर जाना होता है, इतना फास्ट गाड़ी चलाते हैं। बाप रे बाप रे, दिमाग खराब होता चला। ये जो है ना लाइन जो हम बाहर चलते हैं कम से कम 1-1.5 फीट बाहर चलते हैं ताकि किसी गाड़ी में मेरा शरीर टच ना करे, नहीं तो उधिया देगा हमें। देखो इधर से हम आ रहे हैं और इधर जाना है। चलो ठीक है, फिर आगे कहीं अच्छा चीज दिखता है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। आगे एक बोर्ड दिख रहा है जो लेफ्ट साइड की ओर जाएंगे तो वो होगा बिहार शरीफ जहाँ मुझे जाना है, और सामने जाएगी रंडी सॉरी चंडी, और राइट साइड में जाएगी बख्तियारपुर। तो आगे से तो वहाँ से मुझे लेफ्ट होना है। देख रहे हैं ये स्कूल है, इसमें आंगनबाड़ी भी है और इधर प्राथमिक भी है। देख रहे हैं यहाँ प्राथमिक, इधर है 8 क्लास तक के हैं और आगे है +2 के भी है। यानी आप एक बार आओ बचपन में और यहाँ से एक बार +2 पास करके जाओ। और लेकिन जितने स्पेस में है ना स्कूल वो चीज़ ठीक नहीं है, सिर्फ बिल्डिंगें बना दो, आंगनबाड़ी प्राथमिक मिडिल हाई +2, तो ये कैसे हो सकता है, कौन उसको पास किया, ये सब सोचने वाली बात है। आप समझ सकते हो, देख लो थोड़ा सा स्पेस है और थोड़ा सा स्पेस में कैसे डील होगा उतना बड़ा चीज़, जो क्योंकि आपको देनी होती है ग्राउंड। बच्चा कहाँ खेलेगा, बाथरूम में खेलेगा। ये बिहार है भाई, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पे आंगन में भी लोग स्टेडियम बना सकता है पैसा उठाने के लिए, और भी फुटबॉल का स्टेडियम। चलो जैसा देश वैसा भेस, लेकिन अगर इसके पीछे 1-2 अच्छा आदमी आएगा ना जो इस पर खूब अच्छा से बात करे हर जगह पूरे बिहार को एक अच्छा समृद्ध राज्य बनाने के लिए, तो लोग सपोर्ट करेंगे उसको। इसलिए लोग तंग आ चुका है कि साला इस तरह लोगों से दूर रहो, लेकिन अगर कोई आवाज़ उठाएगा ना तो पता नहीं उसको साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय आएगा कि ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आवाज़ तो आएगी कहीं ना कहीं से। बिहार शरीफ है, ठीक है, ये सब बन रहा है।